students, welcome to the first lecture of water supply and wastewater engineering. 11th chapter, sewage characteristics. जैसे कि हम जानते हैं कि सीवेज के जितने भी अपना गंध वाला है या जितनी भी ग्रिट्स है या सैंड है, तो वो जितना भी हमारा पानी के साथ में जाती है, गाद वगैरह है, तो वो सारी चीज़ें जो है पानी के साथ मिक्स होकर के जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं या सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, पत्ते वगैरह है, तो वो सारे के सारे जो है उसके अंदर से मिक्स होकर के जाते हैं, ठीक है, किसके अंदर से, सीवेज के अंदर से, ठीक है। तो इसलिए उसकी जो है गुणवत्ता बनाए रखने के लिए तो हमें जो है साफ सफाई का ध्यान रखना जरूरी होता है, ठीक है, ताकि उसके अंदर से किसी प्रकार का जो है बैक्टीरिया वगैरह या कोई जो है फंगल, जो मलेरिया वगैरह के जो है इस प्रकार के जो है रोग लगने के चांसेस कम हो सके या ना हो, ठीक है। उसके लिए उसकी जो गुणवत्ता बनाए रखना जो है आवश्यक रहता है, ठीक है। तो इसलिए उसके अंदर जितने भी वेस्ट वगैरह है, जैसे कि हमारा घरेलू वेस्ट है या पब्लिक वेस्ट है या इंडस्ट्रियल जो है प्लेस में, इंडस्ट्रियल प्लेस के अंदर या इंडस्ट्रियल स्थानों में जो है जितने भी प्रकार का उसके अंदर मल मूत्र या जितने प्रकार के उसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, जो है जितने भी उसके अंदर जो है फंगस रहती है या सस्पेंडेड मटीरियल रहते हैं, ऑर्गेनिक मटीरियल रहते हैं, तो वो सारे जो है मिक्स हो करके जो उसके अंदर से जो है जाते हैं, तो उसकी जो है साफ सफाई करना जरूरी होता है ताकि किसी प्रकार से रोगों से हम बच सकें, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है क्वालिटी जो सीवेज की करते हैं वो तीन प्रकार से करते हैं। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन, के द्वारा केमिकल एग्जामिनेशन, नंबर तीन बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन, बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तीन प्रकार से हम इसकी जो है एग्जामिनेशन करेंगे। तो इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या रहता है कि उसका टेस्ट चेंज करते हैं या उसके स्वाद के कैसा उसका जो है कलर रहता है, ठीक है, कलर कैसा है या उसका जो है गंध कैसी है या उसके उसके अंदर जो है टेम्परेचर कैसा रहता है, ठीक है, टेम्परेचर कितना उसके अंदर जरूरी होता है या उसके हिसाब से टेम्परेचर कितना रहता है, टर्बिडिटी कैसी है, ठीक है। तो जितने भी उसके अंदर सॉलिड या मिट्टी वगैरह या शॉप का पानी या किसी प्रकार से पेपर वगैरह रहते हैं, ठीक है, तो वो सारे ग्रीस वगैरह, सिगरेट, वो सारी जो है उसके अंदर से जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया सॉलिड, तो वो सॉलिड जो है सस्पेंडेड सॉलिड्स या डिजॉल्व्ड सॉलिड जो रहते हैं, ठीक है, पत्ते वगैरह हैं या किसी प्रकार के जो है उसके अंदर जो मौजूद रहते हैं, तो वो सारा किसके अंदर आता है, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर, जैसे कि कलर, ऑडर, टेम्परेचर एंड टर्बिडिटी सॉलिड, टर्बिडिटी एंड सॉलिड, ठीक है। तो ये सारे फिजिकल एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। तो डोर में जैसे उसका ऑयली वगैरह, ठीक है, तो वो कितनी शॉप वगैरह का जो जितना भी पानी है या ऑयल वगैरह है वो कितना उसके अंदर से जाता है, ठीक है, तो वो सारा उसकी स्मेल वगैरह से पता लगता है, ठीक है। तो ये था अपना फिजिकल एग्जामिनेशन हम जो करते हैं। तो नेक्स्ट जो है केमिकल एग्जामिनेशन में हम कैसे करते हैं कि जो उसके ऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं तो उसके फैट के बारे में, ठीक है, फैट्स या ऑयल जितना भी उसके अंदर रहता है, ठीक है, उसमें कितना 70% तक जो सॉलिड रहता है, ठीक है, 45% सॉलिड इनऑर्गेनिक, ठीक है, तो सस्पेंडेड सॉलिड्स भी रहते हैं, तो ये सारे उसके अंदर जो है मौजूद रहते हैं। ऑर्गेनिक सॉलिड्स कौन कौन से, एक ऑर्गेनिक सॉलिड्स तो इसमें कौन सा है, ऑयली फैट, जैसे किचन का है, वर्कशॉप का है, तो जो वो या लॉन्ड्रीज का है, ठीक है, तो वो सारा इसके अंदर आता है ऑर्गेनिक सोर्स में, ठीक है, फैट्स,
oily. ठीक है, या किचन आपका किचन का जो जो भी रहता है वो वर्कशॉप या लॉन्ड्री, वर्कशॉप एंड लॉन्ड्री ये जितना भी उसका जो है पानी वगैरह रहता है, ठीक है, जितना भी उसके अंदर से रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स भी रहते हैं जैसे कि शुगर, स्ट्रेच, सेलुलस। नंबर दो, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या रहता है जैसे कि शुगर, स्टार्च, तो ये सारे रहते हैं, या सेलुलोज, तो ये सारी चीजें जो है उसके अंदर रहती हैं, ठीक है। ये केमिकल जो है एग्जामिनेशन में पता लग सकता है, ठीक है। तो जैसे ग्रीट वगैरह है, ग्रेवाल है, तो इनको जो है वाश कर दिया जाता है या पानी से जो है बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो बायोलॉजिकल में क्या रहता है कि बायोलॉजिकल में रहता है बैक्टीरिया, फंगस, ठीक है, एल्गी वगैरह, तो ये सारे जो है इसके अंदर आते हैं, बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल। तो इसमें क्या है, क्या है, तो जैसे एल्गी, फंगस, प्रोटोजोआ, ठीक है, तो इसमें आता है नंबर एक बैक्टीरिया। जितने प्रकार के बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, ठीक है, तो वो कौन से रहते हैं, जो जो लार्ज क्वांटिटी में बड़े बड़ी मात्रा में जो भी बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, तो जो बीमार करने के होते हैं, ठीक है, ठीक है। ये क्या करते हैं, टाइफाइड कर देते हैं, मलेरिया कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक रहते हैं ये बैक्टीरिया, ठीक है, तो ये डिजीज कर देते हैं, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक रहते हैं। तो ये किसके द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखे जा सकते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक। तो ये तो जो बड़े बैक्टीरिया वगैरह होते हैं तो वो 60 माइक्रोन की लेंथ में या 5 माइक्रोन डायमीटर में ही रहते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार के रहते हैं, एरोबिक और एरोबिक बैक्टीरिया एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, जो कि जिसमें कि है जो है ऑक्सीजन की मात्रा प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो लाइट होते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं, तो इसके अंदर जो है एरोबिक क्या है, इसके अंदर जो प्रेजेंट हो ऑक्सीजन, ठीक है, लाइट और जो इसके अंदर जो है अब्सेंस हो, ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट हो ऑक्सीजन, इसके अंदर अब्सेंट हो, तो वो कौन से, सेंट ऑफ ऑक्सीजन बैक्टीरिया, तो वो क्या कहलाते हैं, तो वो एनारोबिक और बैक्टीरिया, जैसे कि फूड, ठीक है, खाना वगैरह, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर जो है मिक्स रहती है। तो नेक्स्ट आ गया एल्गी, ठीक है, तो जो भी फंगस वगैरह होती है, ठीक है, तो जो प्रोटोजोआ है या अन्य प्रकार के जितने भी एल्गी रहते हैं, ठीक है, ग्रीन ग्रीन सी जो उसके अंदर फंगस हो जाती है, ठीक है, सीवेज के अंदर, तो ये सारे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन का इसमें रहते हैं, ठीक है। तो ये थे प्रॉपर्टीज इसकी, ठीक है, फिजिकल और केमिकल और बायोलॉजिकल पैरामीटर्स रहते हैं, ठीक है। तो जो है इसके अंदर से जितने भी हाईएस्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है इसे रखा जाता है, ठीक है, तो इसको जो है कंपोजिशन करते हैं, ठीक है, कंपोजिशन कैसे होती है सीवेज के अंदर,
तो जो सारा का सारा जो है मिक्स जो रहता है। पोजीशन क्या क्या रहती है इसके अंदर, सीवेज के अंदर पोजीशन सीवेज, तो इसमें क्या क्या रहता है। नंबर 1 सैंड पेपर, ठीक है, जो फ्लोटिंग मैटर्स रहते हैं सच एज लीफ पेपर मैस्टिक्स एक्सेट्रा, वो फ्लोटिंग मैटर्स पेपर मैस्टिक्स लीफ पेपर मैस्टिक्स ये सारे फ्लोटिंग मटेरियल्स रहते हैं, ठीक है। और मिनरल मैटर में नंबर 2 मिनरल मैटर, मिनरल्स मैटर में कौन कौन से रहते हैं, तो ये जैसे कि सैंड क्ले ग्रेवल, सैंड क्ले ग्रेवल्स और ऐश ग्रिट, ऐश ग्रिट गाद वगैरह या ग्रेवाल या रेता वगैरह जो जो उसके अंदर रहता है, तो वो सारे मिक्स होकर के जो है सीवेज के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो एनिमल एंड वेजिटेबल मैटर्स, ठीक है, नंबर 3 एनिमल एंड वेजिटेबल्स मैटर्स, जैसे कि डेथ एनिमल्स, मरे हुए पशु या गोबर वगैरह उनका, ठीक है, ये सारी चीजें जो उसके अंदर रहती है, ठीक है। नंबर 4 आ गई गैसेस, नंबर 4 पे क्या है गैसेस, तो अमोनिया गैस, अमोनिया या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड मीथेन, तो ये सारी गैसेस वगैरह उसके अंदर जो रहती है, ठीक है। तो और बायोलॉजिकल लाइफ जैसे बैक्टीरिया अलग, नंबर 5 बायोलॉजिकल लाइफ बैक्टीरियास अलग, तो ये सारी चीजें जो उसके अंदर जो है कंपोजिट रहती है, ठीक है। तो डीकंपोजिशन में कौन कौन सी रहती है, उसको जो है बाहर निकालने के लिए तो उसके अंदर क्या डालते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन को उसके अंदर प्रेजेंट करके तो उसके अंदर से जो भी बैक्टीरिया वगैरह है उसको जो है डीकंपोज किया जा सकता है या उसे खत्म किया जा सकता है। तो
ये दो प्रकार से रखी जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, एरोबिक डीकंपोजिशन या ऑक्सीडाइजेशन भी कहते हैं इसको, या इसके अंदर प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंस हो तो वो क्या कहलाती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, डीकंपोजिशन ऑफ सीवेज व्हिच टेक प्लेस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या कहलाती है, एरोबिक डीकंपोजिशन या ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीडेशन, तो वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडेशन या एरोबिक डीकंपोजिशन, ठीक है, जिसके अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, ठीक है, टेक प्लेस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या कहलाती है, एनारोबिक डीकंपोजिशन। तो इसमें जो है क्या रहता है, O2 रहता है और NH3, ठीक है, तो जो है डीकंपोजिशन किया जाता है इसमें NH3 को मिला करके, तो जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स रहते हैं तो उसको जो डिस्ट्रॉयड किया जाता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और इसमें क्या है, सल्फाइड अमोनिया जितनी भी गैसेज वगैरह रहती है जो है निकाल दिया जाता है, उसको जो है स्मेल वगैरह जो जिससे दुर्गंध वगैरह जाती है, ठीक है। तो ये था, तो नेक्स्ट आ गया डिजॉल्व ऑक्सीजन। पानी को साफ सुथरा कर रखने के लिए तो जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है, ना ऑक्सीजन डिजॉल्व इन फ्रेश सीवेज, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन फ्रेश सीवेज, वो क्या कहलाती है, जोर ऑक्सीजन, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, तो कितनी मात्रा में हमने जोर ऑक्सीजन देनी है तो वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, तो वो जो है 4 ppm ऑफ जोर ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ऑलवेज इन द वाटर, पानी के अंदर 4 ppm पार्ट पर मिलियन जो है उसके अंदर जो है पानी के अंदर जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन रहती है, ठीक है। तो ये लार्ज नंबर ऑफ फ्लोटिंग डेड फिश क्रिएटेड न्यूसेंस नियर द विकिनिटी ऑफ वाल, जब वो उसके जो है बाहर की साइड, ठीक है, जब सीवेज का हुआ तो वहाँ पे विघन वगैरह जो है उसके वो करने के लिए जॉब टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, जॉब टेस्ट करना, ठीक है, इंडिकेटिंग द कंडीशन ऑफ सीवेज, मेथड ऑफ डिजॉल्व सीवेज इज प्लांट दैट ठीक है। तो ये डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो ये डिजॉल्व टेस्ट करते हैं ताकि उसके अंदर से जो दुर्गंध वगैरह का जो है पता लग सके या उसको जो है खत्म किया जा सके, ठीक है, कितनी मात्रा में। फिर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो केमिकल ऑक्सीजन की जो है डिमांड रखी जाती है, ठीक है, ताकि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीओडी, तो ये क्या रहती है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडाइज, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज Right.
given quantity of sewers. ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट ये चैप्टर इस